नमस्कार, आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी। फसल को सुरक्षा कवच, किसानों को निम्ति वरदान। वेवेल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस, विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। एट वीदा स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस PSL इन एसोसिएशन विद HNA आर्म्स इनकॉर्पोरेशन जापान। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। गद्दारों और मीर जाफरों के साथ काम नहीं, ये बातें कही है राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। तृणमूल सुप्रीमो एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौथे दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार करने कूचबिहार पहुंची थी। उन्होंने दिनहाटा और सिताई विधानसभा क्षेत्रों के तृणमूल उम्मीदवार उद्यान गुहा और जगदीश चंद्र बर्मन बसुनिया के समर्थन में दिनहाटा में समिति मैदान की चुनावी रैली को संबोधित किया। इस सभा में दिनहाटा के उम्मीदवार उद्यान गुहा, सीतलकुची के उम्मीदवार पार्थ प्रीतम रॉय, जगदीश चंद्र बर्मन बसुनिया, वंशीवर्धन बर्मन, मुकुल बैराग्य और अब्दुल जलील अहमद भी उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, कूचबिहार शहर की कई मांगे पूरी की गई है। उन्होंने कहा, जय सेतु, नारायणी बटालियन, राजवंशी भाषा को मान्यता देना, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय, मुफ्त राशन लोगों को उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा, पहले माता पिता बेटियों को लेकर चिंतित हुआ करते थे, पर अब लड़कियां घर की संपत्ति बन गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, छात्रों को 10 लाख रुपयों तक के क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके और उच्च शिक्षा का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा, इसके लिए किसी को गारंटर होने की आवश्यकता नहीं है, इसकी गारंटर खुद माँ माटी मानुष की सरकार है। दूसरी ओर उन्होंने जिले के तूफानगंज और नाताबाड़ी विधानसभा केंद्रों के तृणमूल उम्मीदवार रविंद्रनाथ घोष और प्रणव कुमार के समर्थन में तूफानगंज महकुमे के खेल मैदान में चुनावी रैली को संबोधित किया। ममता ने कहा, बंगाल की सत्ता में कोई और नहीं आ रहा है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, भाजपा सरकार चुनाव आयोग से कहकर पुलिसकर्मी बदल रही है, ताकत के बल पर भाजपा अपनी मनमर्जी कर रही है। उन्होंने कहा, सुनने में आ रहा है कि असम चुनाव में असम पुलिस और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि मतदान कर रहे हैं, लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। वे यहां भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग नहीं डरना, पुलिस जो चाहे करे, कुछ मत कहो, बस तस्वीर खींच कर उसे शेयर कर दे, अभी से सब कुछ तैयार कर ले, अगर किसी तरह का अत्याचार होता है तो खड़े हो जाए। राजवंशी समुदाय के लिए किए गए विभिन्न कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने कूचबिहार जिले के लिए जो किया है, वह पिछले 60 वर्षों में नहीं हुआ। छिटमहल समझौते किया गया, जिसके बाद भारत में रहने वाले भारतीय भारत और बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं। राजवंशी अकादमी की स्थापना की गई, लगभग 1100 राजवंशी लोगों को मकान दिया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वे भाजपा को मैदान से बाहर कर देंगे। उन्होंने कहा, हर वार्ड हर बूथ पर नजर रखी गई है। उन्होंने दल बदलुओं के बारे में कहा, जो जाना चाहते हैं वे चले जाए, वे गद्दारों और मीर जाफरों को लेकर काम नहीं करेंगी, वे माँ माटी मानुष के लोगों के साथ काम करेंगी। स्टूडेंट আছেন বিনা পয়সায় কন্যাশ্রী শিক্ষাশ্রী ঐক্যশ্রী সংখ্যালঘুদের এগুলো তো আছে হচ্ছেই। তাছাড়াও মনে রাখবেন, আগামী দিন মেয়েরাও যেমন ঘরের সম্পদ, ছেলেরাও সম্পদ, ছেলে মেয়ে বোধ সবার জন্য করা হচ্ছে। কি করা হচ্ছে? আমরা ব্যাংকের জমিদারি, ব্যাংকের গ্যারেন্টার অন্য কাউকে হতে হবে না। আমি নিজে আমার সরকারের পক্ষ থেকে আমার মা মাটি মাসির মানুষের সরকার তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গ্যারেন্টার হবে। আর 10 লক্ষ টাকা করে আমরা স্টুডেন্টদের ব্যাংক লোন ক্রেডিট দেব, ক্রেডিট কার্ড। তারা নিজেরা পড়াশোনা করবে, নিজেরা পায়ে দাঁড়াবে, যখন সুযোগ পাবে খুব কম ইন্টারেস্টে তারা নিজেরা শোধ করবে। কেউ পাহাড় দেবে না আপনাকে, কেউ আপনাকে তার জন্য প্রেশার দেবে না, এবং আমাদের কেউ আপনার বাড়ি ঘর দখল করবে না তার জন্য। এটা সম্পূর্ণ গভর্নমেন্ট করছে। 5 লক্ষ ছেলে মেয়েদের সরকারি বেসরকারি চাকরি দেবো, আর 1.5 কোটি ছেলে মেয়েদের স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি দেবো। এটা মাথায় রাখবেন। মনে নিয়ে আপনাদের মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কাররা যখন এলো, মোদি সাহেব একটাও ভাড়া দিয়েছিল, একটা ট্রেন ভাড়া দিয়েছিল, আমি 300টা ট্রেন প্রায় 36-40 কোটি টাকা খরচা করে নিয়ে এসেছি বাইরের ওয়ার্কারদের।
তাদের খেতে দিয়েছি, বিনা পয়সা কোভিডের ট্রিটমেন্ট করে দিয়েছি, হাতে 1,000 টাকা করে খরচা দিয়েছি। মনে রাখবেন, এটা আমাদের সরকার করেছে, এটা ওদের সরকার করেনি। 5 লাখ রুপয়ों की सागवन की लकड़ी के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। बिहार की जा रही थी तस्करी। सालूगढ़ा वन विभाग के कर्मचारियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर शुक्रवार देर रात फुलबाड़ी इलाके से 5 लाख रुपयों के सागवन की लकड़ी जब्त की। इस घटना में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वन कर्मियों ने लकड़ी के साथ एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त कर ली। जानकारी के अनुसार कल देर रात फुलबाड़ी के घोषपुकुर बाईपास इलाके से एक पिकअप वैन को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुआल के नीचे छिपाकर रखी गाड़ी में कीमती लकड़ी जब्त की गई। सालूगढ़ा के रेंजर संजय दत्ता के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिक जांच के बाद पता चला है कि इन लकड़ियों को बिहार तस्करी की जा रही थी। तस्करों को शनिवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर फाड़ने को लेकर कावाखाली इलाके में बना हुआ है उत्तेजना का माहौल। सुसरत नगर कावाखाली इलाके के 25x300 पाट इलाके में बीजेपी के पोस्टर और बैनर फाड़ दिए गए। इसको लेकर उक्त इलाके में उत्तेजना का माहौल बना हुआ है। इस इलाके से भाजपा के उम्मीदवार आनंदमय बर्मन ने इसके लिए तृणमूल कांग्रेस को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को अच्छी तरीके से पता चल गया है कि उसके पांव के नीचे से जमीन निकलती जा रही है। यही कारण है कि इस प्रकार के काम अपने गुंडे वाहिनी के द्वारा तृणमूल कांग्रेस करवा रही है। उन्होंने कहा कि तृणमूल चाहे जितने भी कोशिश कर ले, लेकिन उसकी विदाई तय है। इस घटना की सूचना मिलते ही मेडिकल आउटपोस्ट चौकी की पुलिस सहित निर्वाचन अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच में जुट गए। আমার দাবি এটাই যে এটা 25x300 পাটের এলাকা, এখানটায় আমরা কালকে পোস্টারটা লাগাই, আজকে সকালবেলা লাগানো হয়। কিন্তু আজকে আমরা যখন বিকেল সন্ধ্যার দিকে যখন আমরা বেরোই, তখন দেখছি কোনো পোস্টার হচ্ছে আপনার ড্রেনে, আর কোনো পোস্টার হচ্ছে জায়গার মতন ওখানে ছিঁড়ে ফেলা হয়ে গেছে। মানে এই জায়গাটা হচ্ছে একটা শান্তিপ্রিয় জায়গা, আর সেই শান্তিপ্রিয় জায়গাকে একটা অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করছে তারা। হারার ভয়ে যারা ঘুমোতে পারছে না, তারাই প্রশাসন তদন্ত করে দেখবে কে। যেহেতু আমরা সামনে থেকে দেখিনি, সেজন্য এটা প্রশাসনের কর্তব্য, তিনি তদন্ত করে দেখুক কুকাশটি কে করেছে। না, আমাদের কমপ্লেনটা সিভিজিল একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে, সেখানে অ্যাপ্লিকেশনের দ্বারা কমপ্লেন করা হয়েছিল। আর আমাদের এফএসসি টিম সেখানে স্পটে পৌঁছেছে, পুলিশ সহ। তো সেখানে আপনাদের যেটা আর কি এখানে যারা অবস্থিত যারা আছেন, তারা সকলে দেখালেন বিষয়টা যে এখানে একটা ছেড়ে ফেলার যে প্রবণতা দেখা নিয়েছে। তো সেটা যাতে ফার্দার না হয়, আমরা লোকাল পুলিশ অথরিটিকে জানিয়েছি, আর ফার্দার অ্যাকশনের প্রতি যা প্রশাসনিক আর কি যা যা অ্যাকশন নেওয়ার প্রয়োজন সেটা নেওয়া হবে। ওটা নেওয়া হয়েছে, আমরা সিভিজিল যে অ্যাপ্লিকেশন আছে, অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আমরা হায়ার অথরিটি পাঠিয়েছি। এবার সেটা ওই হিসাবে ডিসপোজ হবে, এবং পরবর্তী যেটা পদক্ষেপ নেওয়ার প্রশাসনিক পদক্ষেপ সেটা অবশ্যই নেওয়া। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र सुंदास कर रहे जोरदार प्रचार। कहा मिनी इंडिया है माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र। माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल उम्मीदवार राजेंद्र सुंदास शनिवार सुबह बागडोगरा के दरगांव और उसके आसपास के इलाके में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। उनके साथ टीएमसी के नेता व इस सीट के पूर्व उम्मीदवार रहे कैप्टन नलिनी रंजन रॉय भी मौजूद थे। कैप्टन नलिनी रंजन रॉय इस विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के पहले उम्मीदवार थे। करीब 20 दिनों तक चुनाव प्रचार करने के बाद अचानक उनके स्थान पर राजेंद्र सुंदास को यहां का उम्मीदवार बनाया गया। इधर राजेंद्र सुंदास ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को मिनी इंडिया बताते हुए कहा कि यहां विविध भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं। राजवंशी गोरखा जाति के साथ साथ बंगला व आदिवासी संप्रदाय के लोग यहां मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस सीट पर अपनी जीत का दावा करते हुए राज्य में तीसरी बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार बनने की बात कही। केंद्र में फांसीवादी ताकत सरकार चला रही है, ये बातें कही है कांग्रेस पार्टी ने। जलपाईगुड़ी जिला कांग्रेस समिति की ओर से पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में औपचारिक रूप से पार्टी के घोषणा पत्र का अनावरण किया गया। इस अवसर पर जलपाईगुड़ी जिला कांग्रेस अध्यक्ष पिनाकी सेनगुप्ता, उम्मीदवार सुखविलास वर्मा समेत पार्टी के अन्य शीर्ष नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष पिनाकी सेनगुप्ता ने केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा केंद्र की भाजपा सरकार एवं राज्य की तृणमूल सरकार से लोग त्रस्त हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र में एक
फांसीवादी ताकत सरकार चला रही है जो व्यवसायिक उद्देश्यों से संचालित होती है। दूसरी ओर राज्य सरकार विभिन्न सरकारों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं को अपने नाम से चलाने में व्यस्त है। इसके साथ ही उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में लोगों से संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताने की अपील की। विषयटा हे जलपाइगुड़ी जिला कांग्रेस कमिटी जलपाइगुड़ी जिलार प्रथमत सात विधानसभा क्षेत्र जरा संयुक्त मोर्चार प्रार्थी आछेन तादेरके निर्वाचित करवार आह्वान जानाच्छे। আমরা জোটবদ্ধ কেন? আমরা জোটবদ্ধ এই কারণে যে দেশে জাত পাত বর্ণ ধর্ম নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদকামী একটা ফ্যাসিস্ট শক্তি চূড়ান্তভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং তারাই ক্ষমতায় আছে। প্রকৃতপক্ষে এই সরকার, এই দেশের সরকারটা একটা ব্যবসায়িক সরকার। দেশের সম্পদগুলি রেল, বিমা, ওএনজিসি থেকে শুরু করে দেশের যে সম্পদগুলি 70 বছর ধরে কংগ্রেস সরকার তৈরি করেছিল সেগুলোকে বিক্রি করে দিয়ে মানুষের মনটাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ধর্ম জাতের একটা বিড়ম্বনা সৃষ্টি করেন। পশ্চিমবঙ্গ এর থেকে দীর্ঘদিন ধরে আলাদা ছিল। আমরা লক্ষ্য করলাম খুব অদ্ভুতভাবে এই সাম্প্রদায়িকতাকে রুখতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এমন রাজনীতি নিয়ে আসা হলো যে আরও কিছু বড় সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। এখন সমাজে নানা রকম গোষ্ঠীগত একটা বিভাজন সারা বাংলাতে তৈরি হয়েছে, যে পরম্পরা বা যে ঐতিহ্য আমাদের নয়। লে দে ছোটা সা ব্রেক, ফির মিলেঙ্গে ব্রেক কে বাদ। লুকিং ফর অ্যান অপরচুনিটি টু ওয়ার্ক ইন জাপান? উই হ্যাভ এক্সাইটিং এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিজ স্পেশালি ইন ইন্ডাস্ট্রিজ লাইক নার্সিং, কেয়ার গিভার, ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন। অ্যাডভান্টেজেস অফ ওয়ার্কিং ইন জাপান: বেটার পে প্যাকেজেস, বেটার কোয়ালিটি অফ লাইফ, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. Call us at 9911546021. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन, अब फैंस? फैंस स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक, चली हवा सूर्या की। माउंट कनिफर स्वीट्स एंड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन पड़े दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रूम को व्यवस्था गरी दिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्ता सँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नु हुनेछ। भीड़भाड़ को सामना गर्नु पर्दैन। 3,000 र 1,000 स्क्वायर फिट को यस हल को उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेकाना माउन्ट कनिफर स्विच एन्ड स्पा, 5 डाक्टर एस एन दास रोड अपोजिट रिंग मल दार्जिलिङ। जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस बैक्टीरिया र फंगस बाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा।
और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें ए से जेड तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, थर्ड माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अशोक नारायण भट्टाचार्य कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट के वाम कांग्रेस गठबंधन के सीपीएम उम्मीदवार अशोक भट्टाचार्य लगातार चुनाव प्रचार अभियान चला रहे हैं। शनिवार को वे सुबह अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार पर निकल पड़े। चुनाव प्रचार के दौरान लोगों ने गर्म जोशी के साथ फूलों का माला पहनाकर उनका स्वागत किया। भट्टाचार्य चुनाव प्रचार के दौरान घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और अपने पार्टी के एजेंडे को लोगों के समक्ष रख रहे हैं। गौरतलब है कि चुनावी मैदान में उनका मुकाबला कभी उनके साथ रहे भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष व टीएमसी उम्मीदवार डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा से है। रायगंज थाना क्षेत्र में पत्नी के साथ चल रहे विवाद के कारण एक दामाद ने की अपने सास की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज थाना अंतर्गत हाड़ीपुकुर इलाके में ऋषिपुर ग्राम की एक 45 वर्षीय महिला की हत्या का मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार दामाद ने अपनी सास की हत्या कर दी है और इसके बाद वह फरार है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। परिवार के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार ऋषिपुर गांव की रहने वाली भारती कर्माकर ने अपनी बेटी आरती कर्माकर की शादी रायगंज थाना अंतर्गत सुभाषगंज के चुया मोड़ इलाके निवासी विनोद कर्माकर के साथ की थी। विनोद पेशे से एक श्रमिक है। शादी के बाद से ही पति और पत्नी में विवाद होता रहता था। शुक्रवार को भी पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और पत्नी आरती घर छोड़कर कहीं चली गई। अपनी पत्नी को खोजते हुए विनोद अपने सास के घर पहुंच गया। वहां पर सास के साथ विवाद होने पर उसने धारदार हथियार से भारती कर्माकर पर हमला कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही रायगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और भारती घोष के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। साथ ही आरोपी विनोद की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी। हमें सुनलो में एक आगे हमें तो छिलो में तो हरिपुकुर मोड़ ही छिलो तो हमें एक जन फोन करे बोललो तो এরকম এরকম ব্যাপার ভারতী কর্মর কাছে মেরে দিছে ওর জামাই। তো শুনে আমি এসলাম, এসে দেখছি সত্যিকারেই মেরে দিয়েছে। তো দেখার পরে তারপর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনকে ফোন করলো, স্থানে ফোন করার পরে প্রশাসন আসলো। এসে দেখ গন্ডগোলটা হচ্ছে অনেক দিন থেকে আমার দিদির সঙ্গে ঝগড়া, ওদের দু স্বামী স্ত্রীর ভিতরে ঝগড়া, আমার জায়বুদের ঝগড়া ঝগড়া ঝগড়া। আমার মা বাধা দিত যে কেন তোমরা ঝগড়া লাগছো সকাল বিকালে, ঝগড়া লাগো না, মানা করতে করতে আজকে কি রাত্রেবেলা আগে একটু ঝগড়া হয়েছিল ওদের সঙ্গে। তোর সকালে কি হয়েছে না হয়েছে, আমার দিদি আমার ছোট ভাগনাকে নিয়ে চলে গেছে, তো কোথায় গেছে জানি না। তো আমার মা বলছে যে তুই দিদি কোথায় গেছে রে, ফোন করে দেখ, ফোন উঠাচ্ছে না। তারপরে আমার জায়বু জিজ্ঞাসা করলো যে তোর দিদি কোথায় আছে, তা জানি না, আমার দিদি তো ফোন করছে ফোন উঠাচ্ছে না। তা ঠিক আছে, আমার জায়বু গেলো খুঁজতে, পালো না, তা আসলো বাড়িতে, আবার আসলো, আসে আমার সঙ্গে ভালো ভালোভাবে কথা বললো। বলার পর আমার মা টাকা দিল আমাকে, বললো যে যা
বাজারে যা তোমায় আমি লেখা খাবো ঠিক আছে আমি গেলাম বাজারে বাজারে যাওয়ার পর তারপর আসে দেখি এই ঘটনা হয়েছে আমার জায়াবু মারছে। देश में 195 दिनों के बाद रिकॉर्ड तोड़ कोरोना संक्रमण 24 घंटे में 89,000 से ज्यादा केसेस आए सामने 24 घंटे में 714 संक्रमितों की हुई मौतें। देश में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार से हालात चिंताजनक हो गए हैं। हर दिन कोरोना मामलों का रिकॉर्ड टूट रहा है। देश में 6 महीने बाद यानी कि 195 दिनों बाद पहली बार रिकॉर्ड 89,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस सामने आए। 24 मार्च से लगातार 50,000 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 89,129 नए कोरोना केसेस आए और 714 लोगों की जान चली गई। हालांकि 40,202 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। इससे पहले 19 सितंबर को 89,000 से ज्यादा 92,605 केसेस सामने आए थे। एक समय ऐसा था जब देश में कोरोना संक्रमण घटने लगी थी। इस साल 1 फरवरी को 8,635 नए कोरोना केसेस दर्ज किए गए। एक दिन में कोरोना मामलों की यह संख्या इस साल सबसे कम थी। देश में अब तक कोरोना वायरस के लिए कुल 24,70,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 11,00,000 सैंपल कल ही टेस्ट किए गए। अब जानते हैं आज की देश की कोरोना की स्थिति। कुल कोरोना केसेस 1,23,92,260, कुल डिस्चार्ज 1,15,69,241, कुल एक्टिव केसेस 6,58,909, कुल मौत 1,64,110, कुल टीकाकरण 7,30,54,295 डोज दी गई। देश में हर दिन सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं और सबसे ज्यादा मौत भी यही हो रही है। महाराष्ट्र में कल कोरोना वायरस संक्रमण के 47,827 नए मामले सामने आए। महामारी की शुरुआत के बाद राज्य में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले आए हैं। वहीं संक्रमण से और 202 मरीजों की मौत होने के साथ ही राज्य में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 55,379 हो गई है। संयुक्त मोर्चा उम्मीदवार डॉक्टर सुखविलास वर्मा ने जमकर किया प्रचार। 10 सालों में नहीं हुआ जलपाईगुड़ी का विकास, से बातें कही है डॉक्टर सुखविलास वर्मा ने। जलपाईगुड़ी विधानसभा सीट के संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार डॉक्टर सुखविलास वर्मा ने जमकर चुनाव प्रचार किया। वे जलपाईगुड़ी शहर के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों के साथ एक रोड शो भी किया। रोड शो में कांग्रेस और वाम मोर्चा के समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद थे। संयुक्त मोर्चा समर्थकों ने आरोप लगाया जलपाईगुड़ी शहर में पिछले 10 वर्षों में विकास का कार्य नहीं हुआ। शहर के लोग यातायात समस्याओं से जूझ रहे हैं। शहर की निकासी व्यवस्था अच्छी नहीं है। बरसात के समय लंबे समय तक जल भराव की समस्या देखी जाती है। इन लोगों ने शहर के विकास के साथ साथ लोगों की शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार डॉक्टर सुखविलास वर्मा को जिताने का आह्वान किया। इस अवसर पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पिनाकी सेन गुप्ता, दिग्गज कांग्रेसी नेता निर्मल घोष दस्तीदार, फॉरवर्ड ब्लॉक नेता अब्दुस सत्तार, सीपीएम नेता विपुल सानियाल, शक्ति गोस्वामी, दुर्बा बैनर्जी, सपा मजुमदार वकील विकास रॉय और अन्य राजनेता व भारी संख्या में दोनों दलों के समर्थक उपस्थित। जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा क्षेत्र से खड़े सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए अपना रहे हैं अलग अलग तरीके। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए राजनीतिक पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार के नए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। इसी प्रकार से जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा केंद्र से खड़े सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चुनाव प्रचार के दौरान कुछ अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी कड़ी में जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा केंद्र के संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार सुखविलास वर्मा के समर्थन में एक विशाल सभा का आयोजन आज जलपाईगुड़ी शहर के 3 नंबर घुमटी इलाके में किया गया। दूसरी ओर जलपाईगुड़ी 3 नंबर घुमटी हरिजन बस्ती इलाके में भाजपा उम्मीदवार वकील सौभिजीत सिंह के समर्थन में एक टैबलो निकाला गया जिसमें एलईडी स्क्रीन लगा हुआ था और उसके माध्यम से चुनाव प्रचार किया गया। दूसरी तरफ टीएमसी के उम्मीदवार डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा के समर्थन में एक महारैली निकाली गई। यह रैली बेरोबाड़ी इलाके से शुरू होकर विभिन्न इलाकों की परिक्रमा की। इसमें काफी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने भाग लिया था। आज के लिए बस इतना ही। और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।